टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हमने देखा करंट पावर हाउस में बनती है और पावर हाउस से जो करंट निकल कर आती है वो हमारे घर तक आएगी और घर में हमने बहुत सारे बल्ब और पंखे ये चलाने रहते हैं, तो उसकी जो करंट आती है जिस तार से, उस तार से घर में कनेक्शन कैसे करते हैं, ये हम यहाँ पर स्टडी करेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। तो पहले आपको एक चीज़ बताएं, इंडिया में जो करंट आती है वो आप खंबे पर देखेंगे चार तार लगकर आते हैं। ये जो चार तार होते हैं, ये जो तीन तार है इसमें वोल्टेज होती है और ये जो चौथा तार है इसमें वोल्टेज नहीं होती, ये पावर हाउस से आता है, ये ज़ीरो वोल्ट रहता है, वहाँ पर अर्थिंग से इसको ज़ीरो वोल्ट बनाया जाता है, तो ये इसे हम कहते हैं न्यूट्रल। और ये तीन फेस होते हैं, इन फेस का नाम रखने के लिए हमने रख दिया है दिस इज रेड, ब्लू एंड येलो। ऐसा उसमें कोई पहचानने की निशानी नहीं होती है, जस्ट अपनी पहचान के लिए ही हम उसमें नाम रख देते हैं रेड, ब्लू, येलो और ये न्यूट्रल। इन तीनों में और न्यूट्रल में पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं किस तरह के, देखिए अगर हम वन आर और बी इन दोनों के बीच वोल्ट मीटर लगाएंगे आर और बी, तो इसमें हमें 410 वोल्ट मिलेगा। ब्लू और येलो इसके बीच वोल्ट मीटर लगाएंगे तो भी हमें 410 वोल्ट मिलेगा, और वैसे ही रेड और येलो इसके बीच में भी 410 वोल्ट मिलता है। ओके, लेकिन न्यूट्रल के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं रेड और न्यूट्रल, ब्लू न्यूट्रल, येलो न्यूट्रल, इन सब के बीच में हमको 220 वोल्ट मिलता है। हमारे घर के जो बल्ब और पंखे और ये जो ट्यूबलाइट्स, रेफ्रिजरेटर, हर चीज़ 220 वोल्ट से चलती है, सब 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। 410 वोल्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, हम घर में इसको यूज़ नहीं करते, तो ये जो यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, एंड दैट यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस। घर में जो हम यूज़ करते हैं वो 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई हम यूज़ करते हैं। इसका ये मतलब है कि घर में जो हम तार लेके आएंगे उसमें एक तो न्यूट्रल रहेगा और इन तीनों में से कोई भी एक आ जाएगा, इन तीनों को हम कहते हैं फेज। तो हमारे घर में एक फेज आएगा, भले बाहर से हमको ये वाला मिले, ये मिले, ये मिले, कोई भी एक फेज हमको बाहर से मिल सकता है। तो हमारे घर में दो तार आती है, एक फेज और एक न्यूट्रल, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। ये जो जाते हैं चारों तार, ये इंडस्ट्रीज में जाते हैं, किसी के घर में ये दोनों दे दिए जाएंगे, किसी के घर में ये दोनों और किसी के घर में ये दोनों, ये डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रीशियन करते हैं। ये जो हमारे घर में सप्लाई आती है इसमें ये दो तार बाहर से आते हैं, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, एक को हम कहेंगे फेस और एक को न्यूट्रल। न्यूट्रल बेसिकली पावर हाउस में अर्थ से निकाल कर एक तार हमको भेजी जाती है, उसकी वोल्टेज हमेशा ज़ीरो मानी जाती है, ज़ीरो वोल्ट, ये न्यूट्रल होता है। इसमें अगर हमारा हाथ भी लगता है तो हमको करंट नहीं लगती है, इसमें अगर आप टेस्टर लगाते हैं तो टेस्टर में भी कुछ भी नहीं चेंज होता, कोई लाइट नहीं दिखती, वो क्या होता है, न्यूट्रल। और फेस में जब आप टेस्टर लगाते हैं तो देखते हैं कि इसमें लाइट दिख रही है, और अर्थ के कंपैरिजन में इसका वोल्टेज 220 वोल्ट होता है। ये दोनों तार हमको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से दिए जाते हैं, जिसको हम सर्विस लाइन कहते हैं। ओके, इसके बाद
हम एक तार और बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, जिसको अर्थिंग वायर कहेंगे। तो वो अर्थिंग वायर नॉर्मली, अर्थिंग वायर को हम ग्रीन कलर से दिखाते हैं, न्यूट्रल को ब्लैक कलर से दिखाते हैं, और फेस की वायर जो यूज़ करेंगे वो रेड कलर की यूज़ करेंगे। तो ये दो वायर हमको सर्विस में दी जाती है, और ये हम खुद बनाते हैं अपने घर में, अपने घर के आंगन में या बाहर या गली के बाहर कहीं पर भी। अर्थ में एक बड़ा सा पिट बनाकर उसके अंदर कोयला डालकर यहाँ से एक कॉपर वायर निकालते हैं, इसलिए इसको अर्थ कहा जाता है। और इस अर्थ का वोल्टेज हमेशा ज़ीरो माना जाएगा। तो ये भी ज़ीरो वोल्ट होता है, पर ये हमको पावर हाउस से मिलता है जो कि न्यूट्रल है, और ये रेड में पोटेंशियल डिफरेंस हाई पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट। ये तार हमको बाहर से मिलते हैं। अब इसमें पहले जब ये हमारे घर में दिए जाते हैं तो हम इनको एक मेन स्विच में से पास करते हैं। और यहाँ पर एक फ्यूज़ वायर लगाते हैं और उसके बाद मीटर। ओके, तो ये मीटर से पास होगा ये दोनों तार। अब मीटर से पास होकर यहाँ पर हम इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भेजते हैं या एक मेन स्विच में भेजते हैं। ये मेन स्विच को अगर हम ऑफ करेंगे तो ये पूरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ऑन करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। और इसी मेन स्विच में यहाँ पर फ्यूज़ लगे रहते हैं। फ्यूज़ और ये है स्विच। तो ये हमारे घर का मेन स्विच है। ओके, यहाँ से फिर ये जो दो तार निकलेंगे इसको हम एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ये एक दो कंडक्टर रहेंगे, इन दोनों कंडक्टर के साथ हमने इसको जोड़ दिया। इसमें फैसिलिटी ये होती है कि इसमें हम बहुत सारे तार कनेक्ट कर सकते हैं। ये अब ये फेस यहाँ आ जाता है, न्यूट्रल यहाँ आ जाता है। यहाँ से हम अलग अलग कनेक्शन लेते रहते हैं। इसके बीच में अगर 220 वोल्ट आता है तो यही 220 वोल्ट हमको यहाँ तक पहुँच गया है। अब हमारे घर के जो सर्किट्स हैं, घर के सर्किट हम कैसे बनाते हैं, हर एक सर्किट के लिए जो हमको बल्ब जलाना है जिस कमरे में, यहाँ से दो तार उस कमरे में चले जाएंगे। ये एक तार यहाँ से चलेगा, एक तार यहाँ से चलेगा, इनके बीच 220 वोल्ट है और इनको हम इस तरह से ले गए। ये इस कमरे में ये एक फेस पहुंच गया है, ये एक न्यूट्रल पहुंच गया है, ये इस कमरे तक ले आए। अब इस कमरे में लाकर हम इसको फेस को, फेस ये न्यूट्रल, फेस में यहां पर एक स्विच लगाएंगे और इस स्विच के साथ में यहाँ पर बल्ब लगाएंगे या पंखा लगाएंगे, और ये जो न्यूट्रल है ये इसको यहाँ से डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो ये फेस डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जब हम स्विच ऑन करेंगे तो फेस से करंट आएगी, इस तरह से बल्ब से जाएगी और न्यूट्रल से
ये पावर हाउस वापस चली जाएगी, इस तरह से ये बल्ब जलेगा। अब अगर हमने पंखा लगाना है तो पंखे के लिए इसी कमरे में अगर पंखा है तो फिर से इस फेस से दूसरा स्विच ये, और यहाँ पर हमने पंखे को कनेक्शन कर दिया और पंखे का जो दूसरा तार है फिर से न्यूट्रल में जोड़ दिया। तो ये फेस और ये न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल। फिर हमने एक ट्यूबलाइट लगानी है, ये तीसरा स्विच लगाया और इस स्विच के साथ में यहाँ पर ट्यूबलाइट लगा दी। तो ट्यूबलाइट का एक तार न्यूट्रल से जोड़ा, दूसरा तार स्विच, और इस स्विच के दूसरे साइड में फेस है। तो ये जो स्विच हैं, आप जो टॉगल स्विच यूज़ करते हैं सिंपल, वो वाले स्विच होते हैं जो हमारे घर में स्विच लगे हुए। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा, इधर से करंट जाएगी और पंखा चलेगा। इसको ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट जलेगी। इसी तरह से अगर हमने टीवी लगाया है तो ये टीवी, और यहाँ से इसका स्विच है। अगर हमने एक प्लग रखा हुआ है, सॉकेट लगा है, तो उस सॉकेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ये सॉकेट का न्यूट्रल, ये सॉकेट का फेस, इस तरह से इसके बीच में 220 वोल्ट रहता है। और यहाँ पर हमने इसका एक स्विच लगा दिया। तो आप देखेंगे जित हमारे घर का जो बोर्ड है जिसमें बहुत सारे स्विच लगे रहते हैं, ये वो वाले स्विच हैं। और ये वाला तार कहाँ से आया है, फेस से आया है, मीटर से चल के फेस से ये वाला तार आया है, और इसको हमने हर स्विच के साथ जोड़ दिया। स्विच का एक सिरा इस फेस से जुड़ा रहता है और स्विच का जो दूसरा एंड है उससे हम उस चीज़ को जोड़ते हैं, पंखे को, ट्यूबलाइट को, बल्ब को। जब स्विच ऑन करेंगे तो फेस मिलेगा, लेकिन न्यूट्रल सबका डायरेक्ट जुड़ा रहता है। ये अगर हम उल्टा कर दें कि फेस हमेशा जुड़ा रहे और न्यूट्रल का सर्किट काट दें, तो उसमें रिस्क रहता है कि कभी भी हमारा हाथ इसमें लगेगा तो इसको करंट मिल जाएगी। जैसे ये पंखा है, अगर पंखे को हमने यहाँ पर फेस से जोड़ दिया और न्यूट्रल में स्विच लगा दिया, ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल में स्विच लगा दिया है, तो जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा, करंट थ्रू जाएगी, लेकिन जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो पंखा बंद हो जाएगा। लेकिन फेस इस पंखे के साथ कनेक्ट है। यहाँ अगर हमारा हाथ लगता है और हम अर्थ पर खड़े हैं तो हमको करंट लगेगा, लेकिन अगर हम फेस को काट देते हैं और यहाँ हमारा हाथ लगता है तो हमको करंट नहीं लगता है, क्योंकि न्यूट्रल ज़ीरो है। इसलिए हमेशा स्विच कहाँ लगाया जाता है, फेस में लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रिशियन देखता है कि फेस और न्यूट्रल में, जहाँ पर फेस है उसके साथ वो स्विच लगाते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट लगा रहता है। तो ये तरीका होता है स्विचिंग का। तो अगर आपके घर में ऐसा है तो आपको देखना चाहिए कि प्लग में जहाँ हम टेस्टर लगाएंगे, लाइट दिखाएगा, ऑफ करेंगे तो उसको बंद हो जाना चाहिए। ओके, इस तरह से ये एक कमरे का हुआ। वैसे ही यहाँ से फिर हम एक दूसरा फेस ले जा सकते हैं और एक न्यूट्रल ला सकते हैं। फेस और न्यूट्रल, फिर से ये फेस है और ये न्यूट्रल है, ये दूसरे कमरे के स्विच बोर्ड में ले गए। यहाँ ले जाके फिर यहाँ का जो बल्ब है, उस बल्ब में फेस की तरफ स्विच और न्यूट्रल डायरेक्ट, इस तरह से ये यहाँ पे ट्यूबलाइट है तो ये डायरेक्ट, और यहाँ पर अगर हमने प्लग लगाया है तो हर फेस को स्विच के थ्रू ही देना है। ये न्यूट्रल, इस तरह से आप देखेंगे ये दूसरे कमरे का। तो तीसरा कमरा, चौथा कमरा, हर एक कमरे में यहाँ से फेस और न्यूट्रल, इन दोनों से ले जाने हैं, फेस और न्यूट्रल। फेस में वोल्टेज होती है, न्यूट्रल में वोल्टेज नहीं होती है। ये रिटर्निंग पाथ कहलाता है, वापस जाने का रास्ता। तो
हम ये मानते हैं यहाँ से करंट आती है और न्यूट्रल से वापस जाती है. ओके, तो इस तरह से हमारे घर के सर्किट बनते हैं. हर कमरे में हर जगह पर फेस न्यूट्रल दोनों जाएंगे और इन दोनों के बीच वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट. तो इन दोनों के बीच भी वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट. तो हर पंखे को, ट्यूबलाइट को, टीवी को, स्विच को, हर एक को 220 वोल्ट मिलता है. ये सब आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल. तो घर के जो कनेक्शन होते हैं इस तरह से पैरेलल में होते हैं. तो ये हमारे घर का एक सर्किट डायग्राम है और इससे इस तरह की वायरिंग की जाती है. अब कई इंस्ट्रूमेंट हमारे डिफेक्टिव हो जाते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, कूलर, उसके अंदर की मोटर की तार बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाती है. अगर ये कूलर की बॉडी है और यहाँ पर इसकी मोटर है, तो मोटर को हमने यहाँ से फेस दिया और यहाँ पे न्यूट्रल दिया, तो फेस और न्यूट्रल से ये मोटर चलेगी. लेकिन अब इस मोटर में अगर कुछ खराबी आ गई, इंसुलेशन खराब हो गया, तो ये तार ऐसे टच हो जाती है बॉडी के साथ में. ओके, तो इस बॉडी में भी 220 वोल्ट आ गया. अगर इस बॉडी के साथ 220 वोल्ट आ गया और हमने इसको छुआ, जैसे ही हम इसको टच करते हैं और हम अर्थ पर खड़े हैं, तो ये है 0 वोल्ट और ये बॉडी है 220 वोल्ट पे, तो ऐसे करंट फ्लो होती है हमारी बॉडी के थ्रू. ये जो करंट हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो होती है, ये हमारे लिए शॉक है. इससे हमको शॉक लगता है और इस शॉक सीवियर भी हो सकता है. अगर करंट ज़्यादा हुई और ज़्यादा देर तक हुई तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और बाद में उससे फैटल भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल. लेकिन जब ये ख़राब होता है तो इससे बचने के लिए हमारे पास एक साधन है. वो ये है कि हम हर एक इक्विपमेंट को, रेफ्रिजरेटर, कूलर, हर इक्विपमेंट को अर्थ से, एक कॉपर वायर से अर्थ से जोड़ देते. उससे क्या होगा, जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा, ये मतलब ये इससे जुड़ेगा, तो ये फेस से करंट आई और ये फेस की करंट ऐसे बॉडी में गई और बॉडी से अर्थ में चली गई. बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है. और अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो करंट कैसी होगी, वी अपॉन आर. रेसिस्टेंस अगर ज़ीरो हो गया, रेसिस्टेंस कम हो गया, तो करंट बहुत हाई हो जाएगी. तो इसमें करंट बहुत हाई हो जाएगी, इससे आने वाली करंट, फेस से आने वाली करंट एकदम से हाई हो जाएगी जैसे ही ये इसको टच हुआ. ये तो उससे क्या होगा, ये जो फेस से आने वाली करंट है ये एकदम हाई हो जाएगी. और जब ये करंट हाई होगी तो रास्ते में इसका फ्यूज़ उड़ जाएगा. यहाँ पर भी फ्यूज़ हम लगा के रखते हैं और यहाँ पर भी फ्यूज़ लगा के रखते हैं, तो ये वाला फ्यूज़ उड़ जाएगा, नहीं तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा. या अगर हमने यहाँ रास्ते में फ्यूज़ लगाए हुए तो ये वाला फ्यूज़ उड़ जाएगा. इस तरह से उस हाई करंट के कारण कहीं ना कहीं पर ये फ्यूज़ उड़ जाएंगे, यानी फ्यूज़ हो जाएगी, वायर गल जाएगी और ये कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएगा. डिसकनेक्ट हो जाएगा तो हमने इसको अर्थ करने से, जैसे ही इसमें डिफेक्ट आएगा, ये फ्यूज़ उड़ जाएगा. तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को लगाने से फ्यूज़ उड़ जाता है तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि उसके अंदर ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है, डिफेक्ट हो चुका है. हमको ये कभी नहीं समझना चाहिए कि फ्यूज़ ब्लो हुआ है, उसका ये मतलब है कि फ्यूज़ वीक है और फ्यूज़ को मोटा कर दो. ये यहाँ से करंट बढ़ते बढ़ते 5 एम्पियर पहुँचती है, मान लो 5 एम्पियर पहुँचती है, तो ये 5 एम्पियर का फ्यूज़ उड़ गया, ब्लो ऑफ हो गया. 2 मिनट, तो ये फ्यूज़ ब्लो ऑफ हो जाएगा. अब अगर हमने इसको मोटा कर दिया तो 15 एम्पियर में ब्लो ऑफ होगा, और मोटा कर दिया ये अभी भी फ्यूज़ हो रहा है, तो 20 एम्पियर जाएगा. और जब 20 एम्पियर जाएगा तो ये वाली तारें, ये पूरे घर की तारें, ये जलने लगेंगी, गर्म होके इतनी ज़्यादा हीट हो जाएगी, तो उससे आग लग सकती है. इसलिए फ्यूज़ को कभी भी मोटा नहीं करना चाहिए. तो इस तरह से फ्यूज़ हमारी सेफ्टी के लिए है. अब ये जो अर्थ है,
ये इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने घर पे जो हमने ये अर्थ किया हुआ है, ये इसको ऐसे ले जाकर ये हर घर में हर कमरे में इसको लेकर जाते हैं। और ये जो तीसरा पॉइंट है हमारे सॉकेट का, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। फिर इस अर्थ को ले जाके हम हर एक इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करते जाते हैं, ये हर पंखे के साथ। तो आप देखेंगे एक अर्थ का वायर ग्रीन कलर का पूरे घर में साथ साथ चलता है, या वो बिना इंसुलेशन के भी हो सकता है, और उसको हर इक्विपमेंट कूलर के साथ, फ्रिज के साथ, तीसरे पॉइंट के थ्रू हम उसको टच करते हैं। इस तरह से यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन रहता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें अब अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ लगाने के पहले ही इसमें ज़्यादा करंट जाएगी, क्योंकि बिना रेसिस्टेंस का सर्किट है और हमारे हाथ के सर्किट में तो रेसिस्टेंस होता है हमारी बॉडी का। तो करंट इधर से नहीं जाएगी, इधर से जाएगी और फ्यूज उड़ जाएगा जो यहाँ लगा हुआ है। तो इसीलिए अर्थ इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप देखेंगे ये तीन वायर हमारे हर कमरे में आनी चाहिए, एक फेस, एक न्यूट्रल और एक तीसरा अर्थिंग। और अर्थिंग का कनेक्शन हर एक की बॉडी के साथ होता है, एक्सटर्नल बॉडी के साथ, और फेस और न्यूट्रल उसके अंदर जाते हैं दोनों। फेस पे हमको स्विच लगाना रहता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है। और कभी भी ये जो दो तार आते हैं फेस और न्यूट्रल, इसमें आप एक बल्ब लगाएंगे और उसके बाद दूसरा बल्ब लगाएंगे या ट्यूबलाइट लगाएंगे, ये कनेक्शन नहीं होगा, ये सीरीज कनेक्शन है। हर एक इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग 220 वोल्ट चाहिए, तो हर एक को फेस भी डायरेक्ट चाहिए, इधर से न्यूट्रल चाहिए, इधर से फेस, इधर से न्यूट्रल। तो हर एक को फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट चाहिए, किसी के थ्रू सीरीज में नहीं चाहिए। तो ये होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ हाउसहोल्ड। राइट, थैंक यू।